शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम हो रहा है, तस्वीरें वहां से सीधी आ रही हैं। सीएम अशोक गहलोत बोल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ये मेरे पूर्व वक्ताओं जो भी मोहसिन भाटी जी ने, डॉक्टर बी डी कल्ला जी ने विस्तार से महात्मा गांधी का व्यक्तित्व, उनके कर्तृत्व के बारे में हम सबको बताया। मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व जिस रूप में उन्होंने जीवन जिया है, एक अमिट छाप छोड़ी है कि साइंटिस्ट जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, उनको कहना पड़ा आइंस्टीन को कि आने वाली पीढ़ियों को विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसा एडवांस का व्यक्ति कोई धरती पर चला है। उससे अंदाज लगा सकते हैं कितना विराट व्यक्तित्व, कितना उनकी सोच थी, क्या सोच थी देश दुनिया के लिए, मानवता के लिए, और किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन जिया है। अफ्रीका के अंदर एक नई अलग जगह थी, वहाँ पर किस प्रकार देश में आकर के देशवासियों को जो आह्वान किया और देशवासी उनके पीछे खड़े हो गए, और बड़े बड़े उत्सव के जो नेता थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, एक कार में जुड़ता गया और आखिर में हमें देश को आज़ाद करवाने में सफलता मिली। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, उनकी जीवनी इतनी प्रेरणा देने वाली है युवा पीढ़ी को, और जिस प्रकार उन्होंने कहा था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है और सत्य ईश्वर है, इनमें सब बातें रहती है। हमारी सरकार क्या करेगी ये बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारी सोच है कि हम किस प्रकार गांधी जी के व्यक्तित्व को, उनके जीवनी को नई पीढ़ी तक पहुँचाएं जो देश हित के अंदर है। देश तभी एक रहेगा, अखंड रहेगा, तब इस देश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा बोलने वाले लोग, सभी वर्गों के लोग एकजुट होकर रहें। और इस एकता के लिए, अखंडता के लिए हमारे नेता इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी अपनी, खालिस्तान ने बंद दिया, देश को एक अखंड रखा। राजीव गांधी शहीद हो गए, तो आज़ादी के पहले भी हमारे नेताओं ने जो कांग्रेस के झंडे के नीचे जिस रूप में संघर्ष किया, त्याग बलिदान किए, फांसी के फंदे पर चढ़े हों, जेलों में गए हों, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई हों, तब जाके मुल्क आज़ाद हुआ। पर आज़ादी के बाद में भी हमारे नेताओं ने कम कुर्बानी नहीं दी है, जिसका मैंने जिक्र किया, इंदिरा जी या राजीव जी या सरदार बहन सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, देश नाबूद कर दिया आतंकवादियों को वहाँ पर, तो उनको भी उड़ा दिया गया बम से। तो हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले, इसलिए यहाँ पर निश्चय किया गया कि इस प्रकार से हम लोग स्कूलों के अंदर पाठ्यक्रम ऐसे बने जो कि महात्मा गांधी की जीवनी को आत्मसात करने की प्रेरणा दे सके। और यही सोच करके हमने पाठ्यक्रम को गांधी जी के आज़ादी के आंदोलन में क्या योगदान था उसके बारे में, गांधी दर्शन के लिए विशेष गतिविधियाँ क्या हो सकती है उसके बारे में, और स्कूलों के अंदर भी गांधी कॉर्नर बने, जैसे अपने विश्वविद्यालय में अभी जोधपुर में त्रिवेदी साहब ने और हेमचंद जालोर जी ने बताया कि इस प्रकार से उन्होंने गांधी अध्ययन केंद्र की वापस शुरुआत करी है। ये मैं कहना चाहूँगा ये उनका अच्छा प्रयास है। और पता नहीं क्यों जब सरकार बदलती है तो उसके बाद में सोच बदल जाती है, और यही कारण रहा होगा गांधी अध्ययन केंद्र पहले बना हुआ था पूरे देश के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर बना हुआ है, पर कई काम करता कई काम नहीं करता है। एक नई शुरुआत आपने की, उसके लिए आपको साधुवाद। इसी प्रकार हम चाहेंगे कि जो राजस्थान सरकार ने पहल की है, शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ बनाया है, देश में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर एक प्रकोष्ठ सरकार के बना है, आने वाले वक्त में इसको हम विभाग में कन्वर्ट करेंगे, विभाग अलग बनेगा, और उसके माध्यम से हम चाहेंगे कि बकायदा किस रूप में गांधी जी के उद्देश्यों को, उनकी जीवनी को किस प्रकार से स्कूलों में, कॉलेज के अंदर और आने वाली पीढ़ियों तक हम उनको पहुंचा सकें, ये लगातार प्रयत्न करते रहेंगे। एक पोर्टल बनाया गया गांधी जी विचारों को लेकर के, 125 वर्ष जो चल रहा गांधी जी के,
हमने जानबूझ करके उनका एक्सटेंशन किया है उसको वर्ष को मनाने के लिए, एक साल और कर दिया एक्स्ट्रा, जिससे कि पूरा समय मिल सके कि किस प्रकार से हम इसका प्रचार प्रसार कर सकें गांधी जी के बारे में, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल देश में बना हुआ है, जिस प्रकार की सोच है देश के अंदर, और कोई असहमत होता सरकार से तो देशद्रोही साबित हो जाता है, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। अभी कल परसों ही मिस्टर शशि थरूर जो मेम्बर पार्लियामेंट है, हमारे 5 संवाददाता के बड़े बड़े, उन सबके खिलाफ में देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि किस रूप में हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सोचने की बात है, चिंता का विषय बना हुआ है। डेमोक्रेसी रहेगी तो देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए जो आज 70 साल तक देश को एक रखा है, अखंड रखा है, इसलिए महात्मा गांधी के सानिध्य में जो आज़ादी मिली, उसके बाद में जो फैसले हुए हैं, जो संविधान बना हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर के वक्त में, और जिस रूप में संविधान की मूल भावना रही है, समाजवाद, लोकतंत्र, सर्वधर्म संभाव, उसके आधार पर ही मुल्क एक बार खंड रहा है, सबको साथ लेके चले हैं। तो आज जो हालात है उसमें हम चाहेंगे कि सरकार के स्तर पर समय आ गया है, हम लोग किस प्रकार से गांव गांव में ढाणी ढाणी में ये बात पहुंचाएं कि महात्मा गांधी की हस्ती क्या थी, उनके विचार क्या थे। नई पीढ़ी उससे कटती जा रही है, उनको नहीं मालूम सुभाष चंद्र बोस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या सोच थी, सरदार पटेल का क्या योगदान था देश को एक अखंड बनाने के अंदर आज़ादी मिलते ही। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो पहले शिक्षा मंत्री थे देश की आज़ादी के बाद में, उनकी क्या सोच थी। नई पीढ़ी को ये बातें अगर नहीं समझाएंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ जो हमारे इतिहास है उसे सबक नहीं ले पकड़ेगी, और आने वाली पीढ़ियाँ अगर सबक नहीं लेगी तो पता नहीं क्या परिदृश्य होगा देश के अंदर, कुछ कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए मेरा मानना है कि एक समय है कि चुनौती हमारे सामने है, जिसमें हम महसूस करते हैं कि खुलापन होना चाहिए, लोकतंत्र की जो मूल भावना उससे पूरे देशवासी उसको समझ सकें, उस पर चल सकें। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस रूप में आज ये अवसर मिलता है, चाहे जन्मदिवस हो महात्मा गांधी का, चाहे पुण्यतिथि हो, हम संकल्प कर सकें अपने आप के अंदर कि किस प्रकार हमें आने वाले वक्त में गांधी जी के उद्देश्य को हम किस प्रकार से हमें फैलाना है, किस प्रकार से लोगों का आत्मसात करने के लिए हमें आह्वान करना है। इस मौके पर मैं भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मैंने आपको कहा कि महात्मा गांधी ने जब कहा सत्य ही ईश्वर है, तो इसके अपने मायने होते हैं, और ये सदियों से चला आ रहा है कि सत्य ही वास्तविक ईश्वर है। सत्य अगर आप रास्ते पर चलते हैं उसके मायने का आप इस भगवान के बताए रास्ते पर चलते हैं, और सोच समझ के उन्होंने शोध करने के बाद में ये बात कही, अहिंसा हो चाहे सत्य हो इसका भी संबंध है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। अभी आपने देखा 26 जनवरी को जिस रूप में दिल्ली के अंदर हिंसा का माहौल बना, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, और हिंसा को कोई, मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति चाहेगा कि हम हिंसा को कंडेम करें, उसी रूप में हमारी सोच होनी चाहिए। पर साथ में जो लोकतंत्र में भावना प्रकट करते हैं अपनी, उनको ही पूरी छूट होनी चाहिए, उसकी आड़ में कोई षड्यंत्र नहीं हो जाए। जो किसानों के साथ में अभी षड्यंत्र किया गया, जिसके बारे में पूरा देश दुखी है कि इस प्रकार से एक तरफ तो भयंकर ठंड के अंदर किसान बैठे हुए हैं देश के अंदर, और किस प्रकार से साथ साथ में जो स्थिति बनी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। ऐसी घटनाओं की जांच होनी चाहिए उन सजा मिलने से जिन्होंने ये अपनी गलती की है, जिन्होंने हिंसा का माहौल बनाया उसके ऊपर। इस मुबारक मौके में, इस पुण्यतिथि के अवसर में कहना चाहूँगा कि ये मुबारक मौका ये भी है कि आज जोधपुर यूनिवर्सिटी में एक नई शुरुआत हुई। ये प्रेरणा हम चाहेंगे कि पूरे कॉलेज के अंदर हमारे मिस्टर पाटिल जी बैठे हुए हैं,
कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर पुनर्स्थापित करे जहाँ जहाँ गांधी अध्ययन केंद्र बने हुए थे और जहाँ नहीं बने हुए वहाँ बनाया जाए। इस प्रकार की सोच के साथ में चाहेंगे राजस्थान सरकार गांधी जी ने बताए हुए उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई पहल करे। और मैंने कहा आपको कि जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ भी कॉर्नर्स बने, इस प्रकार के गांधी कॉर्नर बनेंगे तो वहाँ के छात्रों को अवसर मिलेगा, लाइब्रेरी बनेगी पढ़ने का, उनके साहित्य समझने का एक अवसर मिलेगा। तो मैं त्रिवेदी साहब को और गहलोत साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो वाइल्ड लाइफ सेंटर से पश्चिमी राजस्थान की जैव विविधता का प्रशोध हो सकेगा, रिसर्च भी होंगे, वो काम भी आपने शुरू किया है जिसकी आवश्यकता है उस एरिया के अंदर। और दूसरी तरफ जो गांधी केंद्र को निर्देशित किया है इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा। और हेमचंद गहलोत जी ने कहा है कि इस केंद्र को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ फंड्स की आवश्यकता होगी, तो मैं 5 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड से देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा और जगह इस प्रकार के केंद्र खुलें और काम करें तो वहाँ भी हम लोग इमदाद मदद करेंगे जिससे कि पूरे राजस्थान एक माहौल बन सके, गांधीमय माहौल बने। गांधी जी के बार बार कहना चाहेंगे कि जो उनकी सोच थी, उनके विचार थे, उनका प्रचार प्रसार होना आज की आवश्यकता है, तभी हम सत्य के मार्ग पर चल पाएंगे, अहिंसा के मार्ग पर चल पाएंगे। और एक जो माहौल बनाया था उस जमाने के अंदर गांधी जी ने, आज भी उसकी आवश्यकता है, उसको लेके हम आगे बढ़ पाएंगे। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमान, हम अपने परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद अर्पित करते हैं। आपने हमें पुनः संकल्पित किया है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि मन कर्म वचन से गांधी जी के आदर्शों की लौ को अखंड रखेंगे। साथ ही आप ही की आज्ञा से हम सम्मानीय श्री सुभा राव जी को पुनः एक बार आमंत्रित करते हैं। जैसा आपको विदित है, उनका कनेक्शन कुछ देर पहले